अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2C. सो लेट्स स्टार्ट. ओपन पेज नंबर 70 ऑफ दिस बुक. देयर इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज मल्टीप्लाई दीज नंबर्स प्लेसिंग देम इन थ्री डिफरेंट ऑर्डर्स. व्हाट इज द प्रोडक्ट इन ईच केस? कहता है ये जो नीचे तीन तीन नंबर्स गिवन है, आपने क्या करना है, इन्हें तीन डिफरेंट तरीकों से या तीन डिफरेंट ऑर्डर से क्या मल्टीप्लाई करना है, और बताना है कि हर केस में, हर ऑर्डर मतलब जो तीन डिफरेंट तरीकों से मेथड से हम लोग करेंगे उसमें उसका जो प्रोडक्ट है वो क्या आता है. ठीक है, तो ए पार्ट है हमारे पास 4, 5, 6. अब हमने करना है पहले जो इसने गिवन किया हुआ है इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरे में हम लोगों ने पहले किसी चाहे 5 को रख लें या 6 को रख लें और इनको आगे पीछे करके फिर मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो करना स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है, ए पार्ट है इसका 4, 5 एंड 6. क्वेश्चन नंबर 4 इसका ए पार्ट है और ए पार्ट के नंबर्स हैं 4, 5 एंड 6. ठीक है, इधर हेडिंग देनी है आपने फर्स्ट ऑर्डर. ठीक है, उसके बाद इधर सेकंड ऑर्डर और इधर देनी है थर्ड ऑर्डर. पहले ऑर्डर में तो आपने यही लिखना है जो लिखा हुआ है, 4 × 5 × 6. इसमें सबसे पहले आपने इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. 5 × 4 = 20, इक्वल का साइन जरूर लगाना है. 5 × 4 = 20 और ये मल्टीप्लाई 6 साथ लिख देना. ठीक है, अब 26 कितना होता है, 6 × 0 = 6 × 2 = 12, ये 120 होता है. ठीक है, पहले ऑर्डर में हमारा आंसर आया है 120. अब सेकंड ऑर्डर में स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, ये जो 6 है इनको आगे पीछे करके मल्टीप्लाई करना है ना. ठीक है, तो 6 है, 6 को पहले लिख लेंगे, अब उसके बाद 4 को लिख लेंगे और फिर 5 को लिख लेंगे. अब इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, 6 × 4 = कितना होता है, 24, और ये साथ मल्टीप्लाई 5 साथ आ जाएगा. ये हम लोग हॉरिजॉन्टली इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, 24 × 5 कितना होता है, 120. ये देखें दोनों केसेस में जो हमारा आंसर है वो 120 आया. थर्ड में चेक कर लेते हैं. थर्ड में अब हम लोग इधर 6 पहले लिए, इधर 4 था पहले, अब इधर 5 पहले ले लेंगे. 5 × 6 × 4. ठीक है, ये अब इन दो नंबर्स को करें, 6 × 5 = 30, मल्टीप्लाई 4 साथ आएगा, 30 × 4 = 120. तीनों केसेस में हमारा आंसर 120 ही आया. ठीक है, और बी पार्ट है इसका, बी पार्ट में हमारे पास है 3, 8 एंड 10. 3, 8 एंड 10 सेम इसी तरीके से करना है. इधर लिखना फर्स्ट ऑर्डर, इधर सेकंड ऑर्डर और इधर थर्ड ऑर्डर. फर्स्ट ऑर्डर में जो गिवन है वही तरतीब, 3 × 8 × 10, आप 8 × 3 = 24, ये मल्टीप्लाई 10 साथ आएगा. ठीक है, 24 × 10 कितना होता है, 240 होता है, 240. ठीक है, सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर में हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे 10 लिख लेंगे, 10 लिख लेंगे या 8 लिख लें अपनी अपनी मर्जी है. 10 × 3 × 8, अब 10 × 3 = 30, इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इधर पहले इन दो नंबर्स को किया था, मल्टीप्लाई 8, 38 × 240 होता है, 240. ठीक है, थर्ड वाले में हम लोग यहाँ पर इसमें 10 लिया है, इसमें 3 लिया है, अब इसमें पहले हम लोग 8 ले लेंगे, 8 × 10 × 3. ठीक है, इस तरीके से अब इन दो नंबर्स को करें, 10 × 8 = 80 × 3 और 83 × 240. देखिए तीनों जो है केसेस पे अराउंड से 240 ही आया. ठीक है, इसका डी पार्ट है 7, 2, 4. डी पार्ट है, सी पार्ट आप लोगों ने खुद करना है. ठीक है, इसका डी पार्ट मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, 7, 2, 4. 7, 2 एंड 4 इधर लिखेंगे स्टेटमेंट फर्स्ट ऑर्डर, इधर लिखेंगे सेकंड ऑर्डर और इधर थर्ड ऑर्डर. ठीक है, फर्स्ट में ये जो गिवन है ये लिखना है, 7 × 2 × 4 मल्टीप्लाई करें इन दो को, 7 × 2 = 14 और 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 × 4 = कितना आता है हमारे पास, 56. ठीक है, सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर में हम लोग 4 पहले ले लेंगे, 4 × 7 × 2, मतलब ये 4 ले लिया फिर उसके बाद ये दो नंबर लिए. अब इन दो को करें, 7 × 2 = 7, 4 = 28 और ये मल्टीप्लाई 2 साथ आएगा, 28 × 2 = कितना होता है, 56. तीसरे वाले में अब हम लोग इधर 7 लिया है, इधर 4 लिया, अब इधर 2 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 2 × 4 × 7 कर लें. ठीक है, आप इन दो को करें, 4 × 2 = 8 और ये मल्टीप्लाई 7, 8 × 7 = 56. ये देखें तीनों के आंसर सेम आए हैं. इसका मैं एक ई पार्ट आप लोगों को करवाऊंगी. ठीक है, उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद करनी है. अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं. ई में है 273, ई पार्ट 273
इधर लिखना है हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर, इधर लिखना है सेकंड ऑर्डर, और इधर लिखेंगे थर्ड ऑर्डर। फर्स्ट में यही वाला 2 × 7 × 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 7 × 2 = 14 और ये 3 × 7 आएगा, 14 × 3 = हमें पता 42 होता है। टेबल्स आप लोगों को आने चाहिए, टेबल्स के बगैर ये मल्टीप्लीकेशन आपसे नहीं होनी। उसके बाद है जी हमारे पास, हम लोग 3 लेंगे, 3 × 2 × 7, ये 3 लिया, उसके बाद ये दो नंबर लिए, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 × 2 = 6 और ये 7 × 7 = 7, 7 × 6 = 42, हमारे पास आंसर आ गया। इधर था 2, इधर है 3, इधर आ जाएगा अब 7 और 3 × 2, इन दोनों को करें, 7 × 21 × 2 और 21 × 2 का कितना हो गया 42। ये थे स्टूडेंट हमारे पार्ट्स जो मैंने आपको करवाए हैं, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।